बिना ड्राइवर के गाड़ी चलेगी, सेकंड में डाउनलोडिंग होगी। किसानी करेगा ड्रोन, क्या क्या बदलेगा 5G। टीवी बिकेगी कूड़े के भाव, मोबाइल के सहारे रहेगा इंसान। 5G के नाम पर बदलेगा हिंदुस्तान। देश में लॉन्च हो रहा था 5G तो पाकिस्तान की टीवी पर छाया भारत। 5G से आखिर होगा क्या और ये भारत की कितनी बड़ी तरक्की है, हमने आपके लिए एक ऐसी रिपोर्ट बनाई है जिसमें 5G के 99% काम की जानकारी होगी। हमारी पीढ़ी की तरह हर 10 साल पर इंटरनेट की भी पीढ़ी बदलती है। पाकिस्तान से लेकर ज्यादातर देश अभी भी 5G का सपना देख रहे हैं, लेकिन भारत ने ये कर दिखाया है। 4G और 5G में पहला फर्क ये है कि 5G की स्पीड 4G से 100 गुना ज्यादा होगी। मुकेश अंबानी अपनी संपत्ति का तकरीबन 30% हिस्सा प्रोजेक्ट में निवेश करने वाले हैं। कोरोना के बाद भारत के जीने का तरीका बदला है, जिसमें इंटरनेट की भूमिका बहुत बड़ी है। 5G अब अपनी स्पीड पकड़ेगा तो भारत की स्पीड का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल होगा। वो कैसे, हम आपको बारीकी से समझाते हैं। फोन आपके पास भी है तो ये वीडियो अंत तक देखिए ताकि हम सभी सवालों का जवाब दे पाएं। 5G सेवा के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कई काम रोबोट करेंगे, इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई कंपनियां अपना ऑफिस बंद कर देंगी क्योंकि इंटरनेट से घर से काम लेने में फायदा भी होगा। एजुकेशन से लेकर काम करने का तरीका सब कुछ बदलेगा। जो फिसलेगा वो अपराधी बन जाएगा, अपराधी भी 5G से स्मार्ट होंगे। RAW IB NIA को 5G से मदद मिलेगी। GPS भी अब भारत का अपना होगा। साल 1980 में 1G आया, फिर 1990 में 2G, 2000 में 3G और 2009 में 4G आया। इस हिसाब से 5G को 2 साल पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। अब 5G जब लॉन्च हो गया तो आपको ये जानना चाहिए कि इसका आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है। आपके बच्चों की शिक्षा से लेकर आपके मोबाइल चलाने का तरीका भी अब बदलने वाला है। हम आसान भाषा में इस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको कुछ बातें बताएं। उससे पहले ये तस्वीर देख लीजिए। पीएम मोदी दिल्ली में बैठकर स्वीडन में कार चला रहे थे। यही तकनीकी है जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दौर में नई कार की तकनीकी ऐसी ही होगी। हालिया दौर में कुछ गाड़ियां ऐसी आई हैं जो तकनीकी तौर पर बहुत स्मार्ट है, लेकिन 5G के आने के बाद इंसानी ड्राइवर की जरूरत कम पड़ेगी। या ड्राइवर तो बैठा होगा पर गाड़ी खुद ही चलेगी। दिल्ली के इंडियन मोबाइल कांग्रेस में पीएम मोदी ने 5G मोबाइल सेवा को लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने चश्मे से लेकर वर्चुअल दुनिया और 5G से आ रहे बदलाव के बारे में बारीकी से समझा। उनके साथ मुकेश अंबानी के बेटे और रिलायंस कंपनी के चेयरमैन आकाश अंबानी भी थे, जो पीएम मोदी को वर्चुअल दुनिया के बारे में बता रहे थे। पीएम मोदी ने जो अपनी आंखों पर चश्मा लगा रखा है, वही शायद देश के ज्यादातर लोग भी कुछ साल बाद लगाने लगेंगे। ऐसा क्यों और कैसे होगा, हम आपको बताते हैं। दरअसल इस प्रोग्राम में वर्चुअल तौर पर वाराणसी के रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से सीएम योगी भी जुड़े। जैसे ही पीएम मोदी ने चश्मा पहना, उन्हें लगा कि इस कार्यक्रम में जुड़े लोग आसपास ही हैं। ये भी 5G की सबसे बड़ी खासियत है, यानी अब आप किसी से वीडियो कॉल पर बात करते हैं, आधी बात हो पाती है आधी नहीं। लेकिन 5G आने के बाद आपको लगेगा कि वो व्यक्ति फोन पर नहीं बल्कि आपके सामने खड़ा है, या शीशे के उस पार वो व्यक्ति है, इस पार आप हैं। देश में 13 शहरों के साथ ये तकनीकी शुरू होगी। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, चंडीगढ़, गुरुग्राम, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे, गांधीनगर, अहमदाबाद और जामनगर शामिल है। इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2022 से हो रही है, जबकि कंपनियों का कहना है कि 2 साल में पूरे देश में ये सेवा शुरू हो जाएगी। 5G के स्पेक्ट्रम की जब कुछ दिनों पहले बोली लगी थी तो जियो ने सबसे ज्यादा बोली लगाई। जियो ने कहा कि वो स्टैंड लोन 5G लेकर आएगी। इसके अलावा एयरटेल और वोडाफोन आइडिया भी आपको 5G सेवा देंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये मिलेगा कब से और क्या आपके फोन में चलेगा। तो ये भी हम आपको समझाते हैं। आपके सोमी, रेडमी, ओप्पो के फोन में पहले से ही 5G सपोर्ट का सिस्टम है। मार्केट में लंबे समय से 5G फोन भी इसलिए बिक रही है। ऐसे में अगर आपको 5G का आनंद लेना है तो फोन बदलना होगा। हो सकता है जियो सिम कार्ड की तरह 5G सिम खरीदने के लिए भी आपको फिर से लाइन में लगना पड़े। इसके अलावा रिचार्ज का भी बोझ बढ़ेगा, लेकिन इसका सीधा मतलब है कि देश अब दुगुनी रफ्तार से आगे बढ़ेगा, क्योंकि आज के जमाने में दुनिया से तेज चलने के लिए आपको टेक्नोलॉजी में तेजी लानी होगी।
इसीलिए पीएम मोदी ने इन बातों पर विशेष ध्यान दिया। लेकिन देश के इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों का रोल बहुत बड़ा माना जाएगा। मुकेश अंबानी ने जीवन का सबसे बड़ा रिस्क लिया है, अगर सफल हुए तो अंबानी के सामने अडानी का टिकना भी मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया।